टैक्सेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर डबल टैक्सेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर में जजिया लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर जजिया लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर लखनपुर टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर लखनपुर टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर लखनपुर टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। राज्य में डबल टैक्सेशन लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार, गठबंधन सरकार, राज्य सरकार, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी सर, आज के प्रश्न के बारे में देखिए, जीएसटी का मकसद ये था कि पूरे हिंदुस्तान में एक मार्केट जो है वो होनी चाहिए, वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। लेकिन जीएसटी का मकसद जो है वो जम्मू कश्मीर में डिफीट हो जाता है लखनपुर टोल प्लाजा को जारी रखने की वजह से। ये लखनपुर में टोल प्लाजा क्यों रखा गया है जबकि सारे हिंदुस्तान में टोल प्लाजा ख़त्म हो चुके हैं, जहाँ पीडीपी विशेष दर्जा के नाम पर इसको जारी रखे हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी एक मूक दर्शक बनी हुई है। और नतीजा ये है कि लोगों को डबल टैक्सेशन यहाँ देना पड़ रहा है। एक टोल टैक्स की वजह से वस्तुओं के दाम जम्मू कश्मीर में बाकी हिंदुस्तान से महंगे हो रहे हैं। इसका बोझ व्यापारियों को और यहाँ के नागरिकों को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द लखनपुर टोल प्लाजा को बंद किया जाए और वन नेशन वन टैक्स के कंसेप्ट को जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जाए, वरना यहाँ का व्यापारी और यहाँ का आम नागरिक इकट्ठा होकर एक मुहिम शुरू करेगा और इस सरकार को जो है वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो उठानी पड़ेगी। और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का इस संदर्भ में जो रवैया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हर इशू की तरह आपने जो मौन इसके ऊपर भी धारण करके रखा हुआ है, ये लोगों को बहुत खल रहा है और लोग इससे बहुत ज़्यादा आहत हैं। ये इनको समझना होगा, जितनी जल्दी ये समझेंगे उतना इनके हित के लिए बेहतर होगा।